अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग करने लगे हैं हमारे जीआईटी सर्जरी में अगला इंतहा का इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक विच इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। आपको लगता है कि हर टॉपिक से पहले इंतहा का इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ कि मैं करा ही सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीजें ज्यादा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्लिनिकली भी बहुत ज्यादा आता है, आपके पास बेतहाशा केसेस आते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के, और ये आपका आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है, और आपके पास कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ऑपरेटिव स्टेप्स पता होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था चार सर्जरीज है, फाइनल ईयर के लेवल पे आपको चार सर्जरीज का स्टेप्स बहुत अच्छे आने चाहिए, ठीक है। बाकी सर्जरीज के नाम, बाकी सर्जरीज का जनरल प्रोसीजर शायद आपसे कोई ना कोई पूछ रहे, और हर सर्जरी का नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ होती है जिनके स्टेप्स हैं, और उनमें एक आपकी अपेंडेक्टमी है, ठीक है, थायराइडेक्टमी, अपेंडेक्टमी, हर्नियोटमी और आपकी कोलिसिस्टेक्टमी, दैट्स इट। जिसमें आपकी अपेंडेक्टमी बहुत अच्छे से भी हम आगे मैं आपको बताऊंगी, अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करना, अपेंडिसाइटिस के साइंस का पता होना, किस तरह इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, मतलब हर चीज इसको आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो बात शुरू करते हैं, बहुत आसान सी बातें हम करेंगे इंशाल्लाह। होता है ये कि अपेंडिक्स, आपको जरा सी अगर एनाटॉमी की बात करूं तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो हमारा सीकम है, सीकम के एंड पे, मतलब इसके जहां से ये आपका लार्ज गट शुरू होता है उसमें सबसे पहले सीकम होता है, उस पे साथ ही अटैच्ड होती है, तो उसके थोड़ा सा पोस्टीरियर और थोड़ा सा मीडियली अटैच होती है, मतलब थोड़ा सा मैं इसको मजीद मीडियली इस तरह करके, ठीक है, पोस्ट्रो मीडियली अटैच होती है। और जो हमारे पास आपको होता है लार्ज गट में टीनिया को लाए हैं, टीनिया को लाए तीन बैंड होते हैं ना, एक यहाँ पर होगा, एक दूसरी तरफ और एक तीसरी तरफ, ठीक है। तो तीनों बैंड की जो जंक्शन है, मतलब अगर टीनिया को लाए तीनों ज्वाइन करेंगे तो वो आपकी अपेंडिक्स वाली जगह पे होगी। तो अगर आपने अपेंडिक्स तक पहुंचना है और आपको लार्ज गट नजर आ रही है, आप लार्ज गट का कोई एक टीनिया को लाए को पकड़ेंगे, इंटीरियर वाली आपको नजर आ रहा हो तो उस टीनिया को लाए के ट्रेस करते हुए आप जाएंगे तो आप अपेंडिक्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। ये एक तरीका होता है अपेंडिक्स तक पहुंचने का। और इसकी जो काफी वेरिएबल है लेंथ में, ये मतलब 5 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है, इसका मतलब है बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। और हमारे पास जिसकी ब्लड सप्लाई है वो अपेंडिकुलर आर्टरी से आ रही है, और इसके अलावा जिसकी हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो हो रही होती है इलियोसीकल लिम्फ्रोड से, मतलब थोड़ी बहुत बातें अपेंडिक्स से रिलेटेड। जहां तक अपेंडिक्स की पोजीशन की बात है तो बहुत वेरिएबल है, इसकी मल्टीपल पोजीशन हो सकती है, वो मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगी जब आगे इसकी जगह आएगी, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास जब भी इस अपेंडिक्स की, जाहिर सी बात है जिस तरह पूरी जीआईटी के स्ट्रक्चर सारों के अंदर ल्यूमेन होता है, हमने ऊपर ओरल कैविटी से शुरू किया, इनल कैनाल तक जाएंगे, पूरी जीआईटी में ल्यूमेन है अंदर और एक वॉल है, अपेंडिक्स में भी सेम इसी तरह ऐसे करके एक इसका वॉल है और दरमियान में एक खाली जगह यानी ल्यूमेन है, ठीक है। जो वॉल है इसकी उसी तरह से बनी होती है, म्यूकोसस और म्यूकोसस मस्कुलरिस लेयर और सिरोसिस, जिस तरह बाकी सारी जीआईटी की होती है, आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा भी होगा। अब हमारे पास ये इसका ल्यूमेन बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी सारे जीआईटी के, ठीक है, बाकी जितने भी हमारी देखा होगा आपने सारे बड़े ल्यूमेन है, ये बहुत छोटा है, बहुत तंग है। तो इस तंग ल्यूमेन में अगर कोई भी चीज फंस जाएगी तो फंसने के बाद, अगर सपोज के वो इतनी ज्यादा नहीं फंसी, कोई बीज था, सपोज करते हैं आप लोगों ने तरबूज खाया था, तरबूज का एक बीज था और वो बीज आके इधर फंस गया, अब वो बीज ने पक्की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की, लेकिन आपको पता है कोई चीज जब रिटेन्ड रहती किसी जगह कोई फॉरेन बॉडी तो उसके ऊपर से सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सुपरसीडेड हो जाएगा, और होना बहुत कॉमन है क्योंकि आपके पास यहां से सारा फूड वगैरह पास करता है हमारी लार्ज गट में से, और उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है, तो जो आपका बैक्टीरिया यहां पर आकर कंटेमिनेशन करेगा उसने यहां पर आके इन्फ्लेमेशन कर देनी है, और इन्फ्लेमेशन का एक पूरा पैथोजेनेसिस का प्रोसीजर चलेगा जिसको हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग जो बेसिकली आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस करती है, आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, और इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, फीकोलिथ सबसे कॉमनली जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो आपका फीकल मैटर ही, यानी कि जो यहां से आपका आईलियम से सीकम में फीकल मैटर आएगा वही आगे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कुछ भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे और डायरेक्ट सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस का कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ना हो लेकिन डायरेक्ट किसी चीज की बैक्टीरिया वायरस वगैरह का इन्फेक्शन हो जाए जो इन्फ्लेमेशन कर दे, कोई पैरासाइट फंस सकता है, कोई सीड फंस सकता है, कोई वेजिटेबल जो अनडाइजेस्टेड रह जाए वो फंस सकता है, उसके अलावा कोई स्टोन बन सकती है, ठीक है। और अगर कुछ ना होगा तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर लार्ज गट में भी और इवन अपेंडिक्स की वॉल में भी जो सब म्यूकोजा है, आपके पास ये म्यूकोजा है और ये सब म्यूकोजा में पायर्स पैचेस होते हैं बेचारा लिम्फोइड इन नेचर और काफी ज्यादा होते हैं, तो ये लिम्फोइड अगर हाइपर प्लास्टिक हो जाएंगे तो वॉल थिक हो जाएगी और इसका ल्यूमेन ही छोटा सा है, जब वॉल मजीद थिक हो जाए तो ल्यूमेन इतना सा रह जाएगा, ठीक है, इतना सा ल्यूमेन रह जाएगा तो जरा सी चीज नहीं आएगी तो ये बेचारा गया खत्म, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसमें मतलब है कि मल्टीपल चीजें ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती हैं, इट कैन लीड टू अपेंडिसाइटिस। अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, अब कोई भी चीज आई, या तो कोई चीज आके फंसी जिसके ऊपर से सुपरसीडेड बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, या वैसे ही बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या आपके पास ये कोई इन्फेक्शन और बॉडी में चल रहा था जिसकी वजह से लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हुआ और
आपके पास नैरो हो गया ल्यूमेन. व्हाट्स एवर द कॉजेज, जो एक पैथोजेनेसिस का सीरीज चलता है वो यही होता है कि आपके पास सबसे पहले इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन के बाद आपको होता है सबसे पहली लेयर जो इनकाउंटर करता है इन्फेक्शन, वो म्यूकोजा होती है. बैक्टीरिया या वायरस जो भी होगा वो आपके म्यूकोजा के अंदर जाएंगे. म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होगी, उसके साथ ही क्या होगा कि आपके पास, मैंने भी बताया कि सब म्यूकोजा में लिम्फोइड आपके पूरा का पूरा पाइरस पैचेस का एक नेटवर्क पड़ा हुआ है. अब वो दिखाने के लिए तो नहीं रखा ना, वो फैशन शो तो वहां कर नहीं रहा. जाहिर सी बात है कि उसने कोई काम करना और उसका काम है कि आने वाले हर फॉरन एजेंट को, बैक्टीरिया को, वायरस को मार देना. तो वो जैसे ही देखता है कि बैक्टीरिया या वायरस या कोई इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है, या वो ये देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन आया, इन्फ्लेमेशन तो भी शुरू नहीं, तो ये लिम्फोइड सिस्टम एकदम से एक्टिव होता है और ये एक्टिव होकर फौरी तौर पर उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू कर देते हैं. वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जब ये शुरू करते हैं तो पहली बात तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है नेचुरली, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस और फलाना 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 सारा कुछ, तो इसकी वजह से वैसे ही इसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा. तो ये साइज में मजीद इंक्रीज हो जाएगा. ये इंक्रीज होगा, ऊपर से जो इन्फ्लेमेटरी मटीरियल आता है आपको पता है उसकी वजह से वैस्कुलर डायलिटेशन भी होती है, उसके साथ साथ उस जगह पर एडिमा भी हो जाता है. तो ये सारी चीजें मजीद थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करिए. तो म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन हुई, सब म्यूकोजल लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, मजीद ल्यूमेन नैरो हो गया, हाइपरप्लेजिया ऑफ द ल्यूमेन, इसकी वजह से भी, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी, एडिमा की वजह से भी. अब ल्यूमेन जो मजीद नैरो हो गया वो इतना नैरो होता जा रहा है इन सब चीजों की वजह से कि वो ऑलमोस्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, इन्फ्लेमेशन आ गया उसकी वजह से, एडिमा आ गया उसकी वजह से, वैस्कुलर कंजेशन आ गया उसकी वजह से, आपका लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया आ गया, ये सारी चीजें मिलकर ल्यूमेन को मजीद नैरो करके ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है. अब जब ल्यूमेन मजीद नैरो के ऑब्स्ट्रक्ट हो गए तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी ल्यूमेन में से म्यूकस तो सिक्रीट हो ही रहा है. ल्यूमेन आपको पता है जीआईटी का अक्सर म्यूकोइड सिक्रीशन सिक्रीट करता रहता है, तो वो म्यूकस सिक्रीशन इन्फ्लेमेशन के टाइप में मजीद इंक्रीज हो जाता है. वो म्यूकस सिक्रीशन मजीद होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो मजीद इस जगह पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन तो साथ साथ चल रही है. ये सारी चीजें मजीद प्रेशर को इंक्रीज करती है. और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है तो सबसे पहले आपके लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, जो कि यहां से आपके लिम्फ को लेकर जा रहे थे. लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो लिम्फ अब यहां से जाएगा ही नहीं, इतना सारा एडिमा होता जा रहा है और लिम्फ जा ही नहीं रहा, मजीद चीज जो है वो इंगॉर्ज होगी. अब दो रास्ते हो सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ये जब बहुत सिवियर नहीं होता तो बॉडी इसको कॉम्प्रोमाइज कर देती है और किसी तरह सारा चीज यहां पर ही ठीक हो जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता. नहीं ठीक होती, पेशेंट हॉस्पिटल आता है, हम पहली फुर्सत में एंटीबायोटिक्स देते हैं. कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स से ही सेटल कर जाते हैं अगर वो सर्जरी नहीं कराना चाहते. कोई पेशेंट्स बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, वो सर्जरी नहीं कराते, हम उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो एंटीबायोटिक्स से भी सेटल कर जाते हैं. ये आपको अल्ट्रासाउंड बताता है कि कितनी जरूरत है और कितनी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर वो रिजोल्व कर गया तो ठीक है, ना रिजोल्व किया, एंटीबायोटिक्स भी दे दी तो भी ना किया, तो उसका यही सीक्वल होता है कि आपके पास इन्फ्लेमेशन और एडिमा बहुत ज्यादा था. वो जब बहुत ज्यादा था तो उसने आपके लिम्फेटिक को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद अब यहां पर सबसे पहले वेन्स भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, यानी वेन्स भी कंप्रेस हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हुई. पहले लिम्फेटिक्स होती हैं फिर वेन्स होती हैं. अब वेन्स कंप्रेस होगी इसका मतलब है कि वीनस ब्लड भी वापस नहीं जा रहा. वो जब वीनस ब्लड वापस नहीं जा रहा वो भी स्टैटिक हो गया, वो मजीद एडिमा कर रहा है, वो मजीद एडिमा कर रहा है. ऑब्स्ट्रक्ट लिम्फेटिक्स होगी, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद आखिरकार आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. आर्टरी सबसे एंड में ऑब्स्ट्रक्ट होती है कि सबसे थिक वॉल्ड होती है. ठीक है, आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो ब्लड सप्लाई खत्म होगी, अब गैंग्रीन की तरफ जाने लग गए, तो इट रिजल्ट्स इनटू गैंग्रीन. ठीक है, अब जरूरी नहीं है गैंग्रीन, इसके डिफरेंट सीक्वेले होते हैं. हो सकता है कि आपके पास आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन तक बात रहे, और यहां पर एक पस से कलेक्टेड एक इतनी बड़ी मैस बन जाए जिसके अंदर पस ही पस भर जाए, जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर एब्सेस. कभी कभार ऐसा होता है कि जब ये सारी चीज खुद ब खुद रिजोल्व कर जाती है ना, इस स्टेज पे आके मैंने जहां पर लिखा था, या तो एंटीबायोटिक्स दिया या किसी भी तरह रिजोल्व कर दी, तो एक म्यूकस से भरी हुई यहां पर सिर्फ एक चीज रह जाती है जिसमें से पस वगैरह सब खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर म्यूकोसील. म्यूकोसील का मतलब है कि अब आपका बैक्टीरिया भी खत्म हो गया, बॉडी ने उससे लड़ ली है, पस भी नहीं है, सिर्फ म्यूकस से भरा हुआ चीज, उसे अपेंडिकुलर म्यूकोसील कहते हैं. अगर पस से भरी हुई कैविटी बन जाएगी तो अपेंडिकुलर एब्सेस होगी. अगर आपके पास ये चीज परफोरेट कर जाएगी तो पूरी बॉडी में आपका पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा सारा बैक्टीरिया, उसको पेरिटोनाइटिस हो जाएगा. अगर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो इससे गलत चीज की गैंग्रीन हो जाएगी. तो डिफरेंट इसके सीक्वल है जो चलते हैं, लेकिन एक पैथोजेनेसिस का मैकेनिज्म यही रहता है. और ये आपसे पूछते होते हैं इसलिए आपने याद रखना, वाइवा में पूछते हैं. ठीक है, अब आपको होता है अपेंडिक्स के बहुत ही टिपिकल से सिम्टम्स होते हैं पेशेंट जिनसे प्रेजेंट करता है. जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं ज्यादातर उन्हीं से होता है कि पेशेंट कहता है कि पेट के, मुझे पेट में दरमियान में दर्द शुरू हुआ था, वो अम्लाइकस तक, अम्लाइकस को पॉइंट करते हैं कि मुझे यहां से दर्द शुरू हुआ है और अब मेरा दर्द इस जगह पर आ गया और वो अब राइट एलिक फॉसक में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, तो पेन स्टार्टेड इन अम्लाइकल रीजन, पैराम्लाइकल रीजन एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट एलिक फॉसा. इसकी रीजन भी आपसे एग्जामिनर्स पूछते हैं. इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास, आपको पता है कि जो ये हमारे पास पड़ी हुई अपना
अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की जो नर्व सप्लाई आ रही है ना, उस नर्व सप्लाई का वो पता है, हर नर्व का एक स्किन पे डर्माटोम होता है जो स्किन से कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इसके पास T10 सिंपथेटिक नर्व आ रही होती है, उसका जो स्किन पे डर्माटोम बनता है वो आपका पैरामलाइकल रीजन में बनता है। इस वजह से जब आपकी अपेंडिक्स इरिटेट होती है तो उसकी जो नर्व सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग आपका स्किन का जो एरिया जो पेन शो करेगा वो आपका पैरामलाइकल एरिया शो करेगा, क्योंकि जाहिर है खुद तो ये यहाँ पर पेन नहीं शो करती ना, उसका नर्व की वजह से पेन होगी। उसके बाद जब आपके पास इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन होती है कि पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो इरिटेट हो जाए, तो फिर आपकी पेन राइट एलिक फॉसा में शिफ्ट हो जाती है। विसरल पेरिटोनियम में कोई रिसेप्टर्स नहीं होते, विसरल पेरिटोनियम इज रिसेप्टरलेस। पैराइटल पेरिटोनियम जब इरिटेट होती है ना, उसमें आपके फिर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो पैराइटल पेरिटोनियम तक जब इन्फ्लेमेशन पहुंच जाती है, वो इसके साथ एडहेर कर जाती है, फिर आपकी पेन शिफ्ट हो जाती है राइट एलिक फॉसा में। तो ये शिफ्टिंग पेन होगी पेशेंट की, उसके साथ उसको हो सकता है वॉमिटिंग के दो चार एपिसोड आए, या कुछ लोगों को ज्यादा भी होती है नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन होगी। कभी कभार ऐसे होता है कि पेशेंट को टेकिकार्डिया तो होता ही होता है, थोड़ा बहुत हार्ट रेट तेज होता है, थोड़ा बहुत फीवर भी होता है, ठीक है, पेशेंट इस स्टेट में आता है आपके पास, जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। और अगर वो एब्सेस वगैरह बनी हो तो मैस भी फील हो सकती है, लेकिन इतना कॉमन वो है नहीं। कभी कभार आपके सिनेरियो में लिख देते हैं कि मैस वॉज फेल्ट इन राइट एलिक फॉसा, तो वो आपका बेसिकली अपेंडिक्स ही होती है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम हुई होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए पेशेंट के टिपिकल से फीचर्स। कभी कभार हमारे पास ना पेशेंट जो है वो, और ये पेशेंट आपको बता रहा होता है कि उसको भूख भी नहीं लगती, उसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया है, और उसके साथ वो आपको कहते हैं कि वो जब खांसता है या वो हंसता है तो उसकी पेन मजीद इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से, क्योंकि वो मजीद आपके खांसने या हंसने की वजह से फोर्स पड़ता है, पेरिटोनियम जाके टच होती है आपके अपेंडिक्स के साथ और पेन बढ़ जाती है, ठीक है, ये रीजन होती है। कभी कभार पेशेंट थोड़े से एटिपिकल फीचर्स प्रेजेंट करते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें बस पेट में दर्द है, मतलब वो डिफ्यूज सा पेन बताते हैं, और उसके साथ वो कहते हैं कि उनको डायरिया है, क्योंकि आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है ना कि इरिटेशन हो किसी जगह की तो आपकी बावल मूवमेंट हाइपर डायनेमिक हो जाती है, इस वजह से उनको डायरिया होता है। और वो कहते हैं कि यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, यूरिन ज्यादा आने की वजह ये होती है कि आपकी अपेंडिक्स समटाइम्स यूरिनरी ब्लैडर के बहुत करीब लाई कर रही होती है, और जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो वो इन्फ्लेमेशन से यूरिनरी ब्लैडर को टच करती है, यूरिनरी ब्लैडर इरिटेट होता है, इरिटेशन की वजह से पेशेंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात भी अपने याद रखने की एटिपिकल प्रेजेंटेशन अक्सर होती है जिसमें डायरिया होगा, हाइपर डायनेमिक मूवमेंट्स ऑफ द बावल की वजह से, और एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, और उसके साथ उसको वॉमिटिंग या पेन एब्डोमेन वगैरह हो गई। हमारे पास लेकिन जो सिनेरियो आपको देते हैं ना वो टिपिकल सिम्टम्स कह देते हैं, इतना एटिपिकल नहीं देते कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन इन द राइट एलिक फॉसा विच हैज शिफ्टेड अप फ्रॉम द अम्बिलिकल रीजन अलॉन्ग विद एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, एंड ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस एंड रीबाउंड टेंडरनेस वॉज फेल्ट ओवर राइट एलिक फॉसा, ठीक है। एग्जामिनेशन का लाजमी बताते हैं, एग्जामिनेशन आपको भी पता होनी चाहिए। हमारे एग्जामिनेशन इसके अगर देखो मैं इंस्पेक्शन में, तो पेशेंट आपको नजर आएगा थोड़ा सा एजिटेटेड होता है, डिस्कम्फर्ट में होता है, दर्द से करा रहा होता है, उसका पल्स रेट तेज हुआ होता है, वो टैकीकार्डिया होता है उसको, थोड़ा बहुत फीवर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर होता है अक्सर का, ठीक है। पैल्पेशन आप करेंगे तो आपके पास बड़े टिपिकल से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मिलते हैं। सबसे पहली बात है आपने मैक बर्नीज पॉइंट में चेक करना होता है। मैक बर्नीज पॉइंट कहाँ है, आप एक तरफ फील करें एंटीरियर स्पेयर आइलेक्स स्पाइन होगी पेशेंट की, यानी जो हड्डी होती है एक तरफ की, ठीक है, और दूसरी तरफ है उसका अम्बिलिकस। इसमें आप एक लाइन खींचे और उस लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें बराबर हिस्सों में, तो जो मीडियल टू थर्ड एंड लैटरल वन थर्ड का जंक्शन है, दिस इज योर मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट पे खास तौर पे आपकी टेंडरनेस होती है, जो आप उसको करते हैं जब इसको पैल्पेट करते हैं डीप पैल्पेशन, तो उसमें जब आप पेशेंट की शक्ल की तरफ देख रहे होते हैं, आप पैल्पेट जब अंदर की तरफ इसको करते हैं पेशेंट को, तब भी दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि पेरिटोनियम आके लगती है अपेंडिक्स के साथ जो कि इन्फ्लेम्ड है, और जब आप हाथ को छोड़ते हैं रिलीज करते हैं पेशेंट को आपने तब भी देखना, तब वो दोबारा से दर्द की एकदम से उसको आएगी, वो शक्ल बनाएगा कि उसके फेस से आपको नजर आएगा, उसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। टेंडरनेस अंदर जाते हुए होना इस टेंडरनेस, और जब आप हाथ छोड़े उसको टेंडरनेस को रीबाउंड कहते हैं। रीबाउंड टेंडरनेस इसी वजह से होती है कि जब आप हाथ हटाते हैं दोबारा से वो टच होता है आपका अपेंडिक्स उसके साथ, इस वजह से आपकी जब जब टच होता है तब तब आपको पेशेंट पेन करता नजर आता है। तो मैं एक बर्नीज पॉइंट पे टेंडरनेस होना इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर जो आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप उसके अलावा कुछ साइंस जो कराते हैं, परकशन करेंगे तो परकशन पे भी आपको पेन ही मिलेगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। ऑस्कल्टेशन का कोई खास इधर रोल नहीं है, इस वजह से कि आप बाबल साउंड सुनेंगे। अच्छा, कुछ साइंस हैं आपने याद रखने हैं। पॉइंटिंग साइन होता है कि पेशेंट आप कहते हैं कि पॉइंट करके अपनी उंगली से बताए कि कहां पर से दर्द शुरू हुआ था और कहां पर जा रहे हैं। ये चीज आपने हमेशा उसके एब्डोमेन को अनकवर करके करानी होती है। एक बात याद रखना, कुछ लोगों के एब्डोमेन बहुत बड़े होते हैं, प्रोट्यूबरेंट होते हैं, कुछ के बहुत फ्लैट होते हैं, तो डिफरेंस हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि पेशेंट एग्जैक्टली पॉइंट कहां करे। तो आप पहले उसका एब्डोमेन अनकवर कराएं ताकि आपको नजर आए कि वो अम्बिलिकस से पॉइंट कर रहे हैं या कहां से कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप, ठीक है, कि एब्डोमेन अनकवर कराए बगैर आप पेशेंट से पॉइंट कराएंगे तो आप गलत डायग्नोस करेंगे, ठीक हो गया।
अच्छा पॉइंटिंग साइन होता है ये, रॉबसिंग साइन ये होता है कि आप पेशेंट के लेफ्ट एलिक फॉसा में पैल्पेशन करें, आपका अपेंडिक्स तो राइट एलिक फॉसा में है ना, आप लेफ्ट एलिक फॉसा में डीप पैल्पेशन करें और पेशेंट को राइट एलिक फॉसा में दर्द हो, वो भी आपकी इसी वजह से होता है कि आपका पेन माइग्रेटरी होती है और वगैरह वगैरह, मतलब नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सॉस साइन बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, सॉस मसल एक आपका मसल है जो पीछे आपके पड़ा हुआ होता है, यहां पर से आपकी स्पाइन से आ रहा होता है और नीचे की तरफ जा रहा होता है, कभी कभार ये होता है, और उस मसल का काम ये है कि वो आपकी करवाता है फ्लेक्शन, ठीक है, और सॉरी वो आपकी करवाता है एक्सटेंशन ऑफ योर थाई, मतलब योर आपका हिप ज्वाइंट है यहां पर, मतलब आपकी टांग की एक्सटेंशन कराते हैं। अब वो जब कॉन्ट्रैक्टेड हो गए, यानी जब वो कह सकते हैं आपकी टांग एक्सटेंशन में होगी, तो सॉस मसल पूरा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा, मतलब वो ऐसे पूरा एक्सटेंडेड होगा लंबा सा, और रिलैक्स होता होगा जब आपकी टांग थोड़ी सी फ्लेक्स होगी। अब होता क्या है कि आपके पास यहां पर सीकम है, और कभी कभार आपकी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स ना सॉस मसल के ऊपर लाई कर रही होती है, जब ये सॉस मसल के ऊपर लाई कर रही होती है ना, तो इसकी वजह से सॉस मसल इरिटेट हो रहा होता है, पेशेंट को दर्द हो रहा होता है मुस्तकिल, और पेशेंट का दर्द कब ठीक होता है, जैसे ही वो अपनी टांग को फ्लेक्स करता है ना, टांग से मुराद है हिप ज्वाइंट को फ्लेक्स करता है, थोड़ा सा ऊपर लेके आता है, उसका दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे उसका सॉस मसल रिलैक्स करता है, रिलैक्स करते तो अपेंडिक्स से थोड़ा सा दूर हो जाता है और वो मुस्तकिल उससे इन टच नहीं रहता, तो उसका दर्द पेशेंट का बेहतर होता है। तो इस वजह से अगर आपके पेशेंट आप देखेंगे कि लेटता है तो अपनी टांग को हल्का सा फ्लेक्स कर लेता है कि उसे दर्द ना हो, उसको आप क्या करेंगे कि आप उसे कहेंगे अपनी टांग को एक्सटेंड करें, एक्सटेंशन पे उसको दर्द होगा, दैट इज सॉस साइन पॉजिटिव कि अब एक्सटेंड करने पे सॉस मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, अपेंडिक्स इसके साथ इन कॉन्टेक्ट में आ गया तो पेशेंट को दर्द हुआ है। और दूसरे तरीके की अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ उसे दर्द नहीं हो रहा, तो आप उसको कहेंगे कि अपनी टांग को पीछे की तरफ लेके जाए, यानी हाइपर एक्सटेंड करें, हाइपर एक्सटेंड करने पे सॉस मसल मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पेशेंट को दर्द होगा, ठीक है, सॉस साइन पॉजिटिव आते हैं। फिर ऑब्चुरेटर साइन होता है, कभी कभार आपके अपेंडिक्स ना आपके ऑब्चुरेटर मसल के साथ जो है वो ऊपर लाई कर रही होती है, ऑब्चुरेटर मसल को जब आप कॉन्ट्रैक्ट करा के देखते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने का तरीका ये होता है कि आप उस पेशेंट की हिप ज्वाइंट को ही कहते हैं इंटरनली रोटेट करें और थोड़ा सा फ्लेक्स करें, मतलब पहले फ्लेक्शन होती है फिर मीडियल रोटेशन होती है, उसमें पेशेंट को दर्द फील होता है क्योंकि उस वक्त ऑब्चुरेटर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपेंडिक्स उससे इन कॉन्टैक्ट में आती है, तो उसको ऑब्चुरेटर साइन कहते हैं। तो ये साइंस है कुछ, मतलब ये ज्यादा क्लिनिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखने में आपको पता होने चाहिए कि क्या है। अच्छा उसके बाद आगे हम चलते हैं अगले पार्ट में, किसी कोई मसला हो के नास्ते, थैंक यू।